हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है निधि का। निधि कहती हैं, लव गुरु जी, मैं अभी BSc फाइनल में हूँ और मैं अभी पढ़ाई करके कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले बार बार मुझे शादी के लिए कहते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती, नौकरी करना चाहती हूँ, और अगर शादी करूँगी भी तो ऐसे इंसान से जो मुझे मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करे, मुझे नौकरी करने में रोक टोक न करे। इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, घर में ही अगर बैठना है तो। मेरे घर वाले बस शादी की रट लगाए हैं, क्या करूं मैं, समझ नहीं आता। मैं कैसे उन्हें मना करूं, कैसे शादी ना करने के लिए राज़ी करूं। मेरी ज़िंदगी जीने नहीं दे रहे हैं, मैं पढ़ नहीं सकती, नौकरी नहीं कर सकती, आप ही बताइए मैं क्या करूं, उन्हें अपनी शादी ना करने से कैसे रोकूं। निधि जी, आपका फ़ैसला बिल्कुल सही है, पढ़ाई करी है तो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, और घर में बैठकर क्या मतलब। और आप बिल्कुल ऐसे ही इंसान से शादी करना जो समाज के बीच आपका साथ दे, आपके सपनों को पूरा करे और खुश रखे, जैसे कि आपकी खुशी, आपका सपना नौकरी करना। नौकरी सिर्फ ज़रूरत नहीं होती, नौकरी करने से कॉन्फिडेंस होता है, बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, आत्मविश्वास पैदा होता है, और आपके माँ बाप की भी चिंता गलत नहीं है। हर माँ बाप ये चाहते हैं उनकी बेटी बड़ी हो गई है उसकी शादी कर दें, वो अपने घर से अपने घर चली जाए, जैसे कि सामाजिक बंधन सबके साथ होता है। तो आप अपने फैसले पर अटल रहिए, और आपका फैसला तो गलत नहीं है, घर वाले मान जाएंगे। माँ बाप को समझाइए, और कोई आसपास की पढ़ी लिखी महिला बहू नौकरी कर रही है तो उसका उदाहरण दीजिए, उससे मिलवाइए, वह आपके माँ बाप से बात करें, उन्हें समझाए, शायद कुछ फ़र्क पड़े उनकी सोच पर। आज का दूसरा सवाल है रमन का। कहते हैं, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। क्या बात है, अब मैं क्या बताऊं, मुझे उससे प्यार कैसे हो गया, खुद बहुत परेशान हूँ। मैं उससे बहुत नफरत करता था, हर वक्त लड़ता था, बात बात पर बहाने ढूंढता था उसे चिढ़ाने का। अब वह कुछ सालों से यहाँ नहीं रहती, और मुझे हर समय उसी को देखने का मन होता है, उससे लड़ने का मन होता है, बेचैनी होती है, हर टाइम मुझे सिर्फ वही दिखती है। यही बात मैंने अपने दोस्तों से शेयर की, उन्होंने कहा, तुझे तो प्यार हो गया है, अब आप ही बताइए, क्या सच में मुझे प्यार हो गया है, क्या यही प्यार होता है। हाँ रमन जी, अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई हमारे करीब होता है हम उसकी कदर नहीं करते, उससे लड़ते झगड़ते हैं, और जिससे हम ज़्यादा लड़ते हैं, जिससे हम ज़्यादा नफरत करते हैं, तो वो सिर्फ एक दिखावा होता है, कहीं ना कहीं हमें उसके प्रति लगाव होता है, प्यार भी होता है। अब तक जो आप महसूस नहीं कर पा रहे थे वो प्यार था, हर समय चिढ़ाते थे, लड़ते थे, आज इसके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। तो क्या है ये, आप ही सोचिए, प्यार ही तो है। इसी को कहते हैं दिल का रिश्ता। जब हम खुद नहीं समझ पाते हमें कौन अच्छा लग रहा है, किसके लिए हमारे दिल में फीलिंग है, जिसके बगैर हम रह नहीं पा रहे, बिन देखे चैन नहीं, तो समझ जाओ कि वो प्यार ही है। तो रमन जी, आपको प्यार हो गया है, और इजहार मोहब्बत भी कर ही दीजिए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपके मन में भी है कुछ सवाल लव से जुड़े, रिश्ते से जुड़े, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है खबर लहरिया
gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।